अब इखलाक का नाम भी लोगों ने अपनी मर्जी का रख लिया है, कहते हैं मीठा बोलना अखलाक है, तो मीठा तो लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं। नरम सिर्फ बोलना अखलाक नहीं, नरम तो लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं, खुशामद भी कर देते हैं ज़रूरत होती है। नीरा मीठा बोलना ये अखलाक नहीं, सच बोलना अखलाक है, सब्र से रहना अखलाक है, तहम्मुल मिजाजी अखलाक है, मामला फहमी अखलाक है, किसी को माफ़ कर देना ये अखलाक है, दरगुजर वाली जिंदगी ये अखलाक है, किसी का भला सोचना अखलाक है, अपने से ऊपर उठकर लोगों के खैर के जज्बात लोगों के लिए पैदा करना ये अखलाक है, उम्मत के बच्चों की तालीम तरबियत के लिए सोचना ये अखलाक है, गरीब की मदद का शौक पैदा करना, कमजोर बहन भाइयों के लिए दस्ते ताबुन बढ़ाना, उलझे हुओं के लिए सुकून का बायस बनना, बिखरे हुए सोचों को रसूलुल्लाह के दरवाजे का गुलाम बना देना, ये अखलाक है। अखलाकी बुलंदियों को समझें, फकत दो चार पांच चीजों में अखलाक को कैसे बंद करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आला तरीन, और हुजूर ने फरमाया मैं तो अखलाक के आलिया को मुकम्मल करने आया हूं, तकमील कर दी नबी पाक ने अखलाक की, मुकम्मल कर दिए हुजूर ने अखलाक।